सब लोगों को समझना पड़ेगा। मिनट मेरा बोलने का था, बोल दीजिएगा। इसके बाद ही बोले। अभी आप बोल रहे थे जातिगत गणना से फायदा क्या होगा, पासवान जी यादव जी हाथ मिलाने की शादी करेंगे, यही फायदा होगा गिनने के बाद, गिनने के पहले नहीं। मैं यही बात बोल रहा हूँ। क्यों, जाति है तो है। हाँ, जाति जाति है, उसमें दूसरा कोई जाता है, उसमें कौन जाने है, कौन बैठता है, उसमें कौन बैठता अभी बताइए। उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, कुशवाहा ज्यादा दूसरा भी बन सकता है। यादव महासभा का अध्यक्ष कोई दूसरा बन जाएगा जी, करनी सेना का कोई अध्यक्ष राजपूत छोड़ के दूसरा बन जाएगा। जो सहाय लोग है, लाला लोग, उसका जो अध्यक्ष है दूसरा कोई बना देगा। क्या बात करते हैं आप, जाति बनाए तो दुख हो रहा था, आज जाति गिना रहा है तो दुख हो रहा है। लो कुछ है, लो को अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सब जगह है। एक मिनट, यानी कि हम लौकुश यानी कि राम के वंशज हम। हाँ, तो हमको प्रणाम कीजिए। कहा है कौन कौन आपको करता, कौन आपको ऐसी कर दिया, फिर भी हमको निचली जाति के प्रणाम। भाई तो कहा है हमको निचली जाति में दे दिया गया, ओबीसी में कहा है दे दिया गया। तो ऊंचा नहीं होता राम भगवान, निचली जाति ओबीसी कोई जाति है ये नहीं है। ओबीसी जाति है, हम राम के वंशज है भाई। ओबीसी जाति नहीं, ओबीसी कैटेगरी है, फिर यही दिक्कत है। कैटेगरी है नहीं, निचली कैटेगरी में आप मान रहे हैं, मान नहीं रहे, आपको मनवाया जा रहा है। काहे नहीं मनवाया जा रहा भाई, आप मानिएगा तो हमने हमने नाम भगवान कितना पंडितों ने बांटी, पंडितों ने बांटी, और ट्विटर पे यही लड़ाई हो रहा है। ट्विटर पे ये बात ट्रेंड किया, मोहन भागवत माफी मांगो 8 नंबर पे ट्रेंड किया कि ब्राह्मणों पंडितों ने। बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है और ये जातीय जनगणना हो रहा है, इसी के उपलक्ष्य में जनता से तो सवाल होता ही रहता है, लेकिन आज मैं सबसे पहले पत्रकारों से सवाल करने वाला हूँ कि इस जातीय जनगणना से पत्रकार क्या चाहते हैं और इस जातीय जनगणना से पत्रकार कितना खुश हैं या नहीं खुश हैं, पत्रकार क्या सोचते हैं, पत्रकार क्या चाहते हैं। देखिए बहुत सारे पत्रकार नाम लेते ही भागना चालू कर दिए हैं। तो अभी हमारे साथ रवि राठौर हैं जो बेलगाम भारत से हैं। जातीय जनगणना बिहार में हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं? मैं तो बोलता हूं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका 2-3 रीजन एक पॉइंट बताऊंगा। पहला मैं अभी हाँ या ना, नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम पवन पासवान है। कौन सा चैनल से? बेलगाम भारत के। बेलगाम भारत से पवन पासवान। पवन पासवान जी हैं ये बेलगाम भारत से। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी आप पूछूंगा, सवाल भी पूछूंगा आपसे। अभी हमारे साथ ये केशव जी हैं जो पब्लिक स्टेशन से हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ या ना मैं अभी पूछ रहा हूँ, उसके बाद क्यों होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए आप ही लोग बताइएगा, ठीक है ना? आप लोग बहुत पब्लिक से सवाल करते हैं, इसलिए आज हम आप लोग से पूछ रहे हैं। सन्नी जी हैं और काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं, कि जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को दिखलाते हैं। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? बिहार लेवल पर नहीं, देश लेवल पर जातीय गिनती होनी चाहिए, होना चाहिए। अब आइए आप इधर आइए, इधर राठौर जी यहाँ बैठिए, आप अभी बैठिए भैया, आप भी बैठिए। कुछ लोग और हैं आएंगे तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। अब आप बताइए 2-3 कारण कि क्यों नहीं होना चाहिए जातीय जनगणना जबकि हो रहा है। देखिए सिंपल एक बात बता रहे हैं, हाँ। हम लोग जाति जनगणना में एक बहुत XYZ के अमाउंट हम लोग खर्चा कर रहे हैं, हाँ। इस अमाउंट का नुकसान राजस्व का हो रहा है, हाँ। सबसे पहले, हाँ। राजस्व का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। दूसरी बात मैं आपको बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा हूँ, हाँ। कि आज अगर आप जातीय जनगणना का अगर छोटा सा एग्जांपल छपरा का देख सकते हैं, छपरा में क्या हो गया, यादव और राजपूतों के बीच में लड़ गए, लड़ाई अगर बोला जाए जातीय जनगणना का दोष देंगे? नहीं, दोष नहीं दे रहे हैं हम, लेकिन उसका कुछ उदाहरण है। और कल के डेट में, हाँ। अगर आपको ही केवल सब लोग क्या करेंगे, हाँ। आप सेंट्रल लेवल में क्या दे रहे हो, हाँ। कि इतना परसेंट यादव है, इतना, हाँ। परसेंट ये राजपूत है, इतना परसेंट, हाँ। मुसहर है, इतना परसेंट डोम है, इतना, हाँ। परसेंट पंडित है, आप यही दिखाना चाहते हो ना? तो ये इसका फायदा क्या होगा, हाँ। इसका फायदा क्या होगा? फायदा वो बताएंगे, वो बोल रहे हैं कि हम होना चाहिए तो उनसे पूछूंगा मैं। आप ये बताइए कि क्यों नहीं हो, फायदा क्या होगा, बताइए सब फायदा क्या है। देखिए 2-3 चीजें, हाँ। संविधान है हमारे यहाँ, हाँ, हाँ। संविधान में हमारे यहाँ वर्ग है, हाँ। ठीक है, SC ST OBC, हाँ, और माइनॉरिटी, और, हाँ। अब बना है नया, हाँ। EWS, हाँ। ठीक है, हाँ।
उसमें अलग अलग फंड अलॉटमेंट होता है। अगर आपको एससी के लिए काम करना है तो भारत सरकार अनुसूचित जाति आयोग बनाई है जिसके लिए फंड रिलीज किया जाता है। उधर चला हमको बैठने दो भाई। अनुसूचित आयोग का जो है फंड है, पिछड़ा आयोग बनाया भारत सरकार ने, उसके लिए फंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर वो काम हो। ठीक है, मान लीजिए आप मीडिया है, हर चुनाव में आज से 70 साल से चुनाव हो रहा है, 1951 से फलानवा जगह इतना जाति है, चिलानवा जगह इतना जाति है, कहाँ आंकड़ा है, कौन आंकड़ा है, कैसे आंकड़ा है, कहाँ से आंकड़ा लाए, कितना जाति है, कौन गिना था इसको, कहाँ से लाए आप। इनका कहना है कि जातीय जनगणना से हमारा राज्य के जो है आर्थिक नुकसान, राजस्व का जो आर्थिक नुकसान हो रहा है। 500 करोड़ का बजट हुआ, ठीक है, 3000 करोड़ का मूर्ति भी बन चुका है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट समझिए, सरकार जो केंद्र सरकार पैसा भेजती है और इस मोहल्ले में इतने लोग हैं, लेकिन इस लोग में कौन सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, किसका विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सरकार कैसे पैसा लगाए, कि क्या आंकड़ा है सरकार के पास, सरकार के पास क्या आंकड़ा है, कैसे वो पैसा खर्च करे, कोई आंकड़ा नहीं। इसको हम दे देते हैं 100 करोड़, हो सकता है इसकी जरूरत 90 करोड़ की हो, इसको दे रहे हैं हम 10 करोड़, हो सकता है इसकी जरूरत 110 करोड़ की हो। तो पैसा जो अलॉटमेंट सरकार केंद्र सरकार करती है वो पैसा ठीक से नहीं हो पाता है। और ये जो बजट हम लोग के यहाँ बनता है, हम लोग का जो बजट है इसी वर्ग के आधार पर बजट है। आपको पता होगा कि आज SC ST के छात्रों को मिला स्कॉलर, ठीक है, हो सकता है उस बच्चों को स्कॉलर की ज्यादा जरूरत हो, या उस बच्चे मान लीजिए EWS हमारे यहाँ, अब आप आइए केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनका लिस्ट निकालिए, कितना कहाँ प्रोफेसर है आपके यहाँ, कितना ठठेरा प्रोफेसर है यहाँ आपके यहाँ, क्यों नहीं बन पा रहा है वो, क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर आप रिसर्च करिएगा ना, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों एक ही, क्यों बिहार में पिछड़ा में यादव कुर्मी और कुशवाहा ही आगे बढ़ा, उसके नीचे वाली लोहार कहाँ, ठठेरा कहे नहीं आगे बढ़ा, क्यों आज भी वो पारंपरिक काम कर रहा है, उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा नहीं करना होगा। इसलिए इसको जातीय जनगणना को गिन करके उस पर स्पेशल पैकेज बनाना है। सरकार बस ये ना करे कि जातीय जनगणना जो है उसको राजनीतिक रूप से फायदा ले। अगर आप उसको गिन रहे हैं, अगर आप गिना रहा है कि ठठेरा लोग प्रोफेसर नहीं हैं, तो आपको एक स्कीम बनाना चाहिए और एक बजट अलॉटमेंट करना चाहिए कि कल से आज से 5 साल बाद ठठेरा लोग भी जो है वो जा करके प्रोफेसर बने। दूसरा चीज, मंडल कमीशन से पहले ओबीसी जो लोग थे, पिछड़े लोग थे, उसकी सरकारी नौकरी में कम भागीदारी थी, लेकिन मंडल कमीशन के बाद ये मेरा आंकड़ा नहीं है, भारत सरकार का आंकड़ा है कि कई लाख लोगों की नौकरी इसमें लगी, कैमरा के सामने कई लाख लोगों की नौकरी इसमें लगी, हमारा आंकड़ा नहीं है। उसके बाद भारत सरकार ने रोहिणी आयोग बनाया। रोहिणी आयोग का काम यह है कि जो 27% आरक्षण है उसमें कितने लोगों को कितना मिल रहा है, इसका भी रिसर्च जो है वो मोदी सरकार करवा रही है। तो ये हर प्रकार से सही है, आपको ऑब्जर्व करना होगा। और जो हमारे यहाँ समाज कमजोर है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उसके लिए एक आपको विशेष अलॉटमेंट करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो आर्टिकल 14 है संविधान का, उस समानता के श्रेणी में ला पाइएगा। बोलिए आप। देखिए, उन्होंने बात अच्छा बोला है, बट मेरे अंदाज से क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले जो मैं राजस्व की बात कर रहा था, राजस्व के साथ साथ दूसरा जो अभी, अच्छा तो एक बात बताइए, हाँ ये तो बिहार की बात हो गई, हाँ एक किनका मूर्ति बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, हाँ उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, तो वो भी गलत है ना, वहाँ पहले पैसा खर्च हो गया, तो वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, हाँ ये तो हर तो पैसा हुआ क्या खर्च होना चाहिए था कि नहीं, तो वैसे ही वो पैसा बर्बाद हो रहा है समझिए तो, लेकिन काम हो रहा है, बर्बाद नहीं हो रहा, नहीं। गलत गलत गलती में मत जाइए, ये पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, ये पैसा उन शिक्षकों को नहीं, उनके अनुसार इनके अनुसार ये नहीं, देखिए कोई भी पैसा बर्बाद नहीं होता, अगर केंद्र सरकार, अब मान लीजिए कि संसद भवन होते हुए भी सेंट्रल विस्टा बन रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को सोचोगे अपना बनवा रहे हैं, लेकिन ये पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, इसको गलत वे में ले जाइए, ये एकदम जरूरी था, ये मीडिया वालों के लिए भी जरूरी था, ये जो मीडिया वाले आज से 60 साल से पढ़ी आंकड़ा चला रहा है, कोई भी विधानसभा में चुनाव होता है तो अच्छा यहाँ 60,000 यादव है, कौन गिन के दिया आपको, आप उंगली पे गिने गए थे क्या कि 60,000 यादव है, कौन गिन के दिया आपको, आज तक चला रहा है आज से 60 साल से फलानवा जगह इतना विधानसभा में इतना पासवान, कौन गिन रहा है, ठीक है, तो ये गलत बात है कि ये पैसा बर्बाद हो रहा है। 500 करोड़ का बजट नहीं, ये और बजट बढ़ेगा इसमें, और ये आम लोगों का फायदा होगा। और आप बिहार में हैं, चलिए दरोगा रायपथ यहाँ से 100 मीटर दूर है, ठीक है, राजपूत ब्याह करेगा तो अपने कमिटी हॉल में, कुशवाहा ब्याह करेगा तो अपने कमिटी हॉल में, कार्यक्रम, अरे
हमारा कमेटी कहीं है कुशवाहा का? कुशवाहा पंचायत मान नहीं है हाँ। आप लोग का बैठक नहीं होता उसमें? बैठक ना होता। अरे बैठक होता कि नहीं है? क्यों बना हुआ है? है कि नहीं है? है क्यों है? लेकिन तो क्यों जाती है? तो है हाँ, जाती है उसमें दूसरा कोई जाता है? उसमें कौन जाने है? दूसरा कौन बैठता है? उसमें कौन बैठता? अभी बताइए उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? बनता है कुशवाहा ज्यादा दूसरा भी बन सकता है? यादव महासभा का अध्यक्ष कोई दूसरा बन जाएगा जी? करनी सेना का कोई अध्यक्ष राजपूत छोड़ के दूसरा बन जाएगा? जो सहाय लोग है लाला लोग उसका जो अध्यक्ष है दूसरा कोई बना देगा? क्या बात करते हैं आप, जाति बनाए तो दुख हो रहा था, आज जाति गिना रहा है तो दुख हो रहा है। महोदय से एक बात हम पूछना चाहते हैं, ये जो जाति जनगणना हो रहा है शिक्षक लोग कर रहे हैं तो शिक्षक लोग कर रहे हैं तो शिक्षक लोग पढ़ाएंगे नहीं तभी जनगणना कर पाएंगे हैं? ये स्टूडेंट का भी तो घटा है, तो ये बिना प्लानिंग का अगर जाति जनगणना करवा देना और उसके बाद इनका जो नुकसान हो रहा है वो गवर्नमेंट नहीं देख रहा है, इसके ऊपर पत्रकार सवाल नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारे पत्रकारों की बात मैं करूंगा स्कूल में डूब जाते हैं, पूछते हैं देखिए बिल्डिंग नहीं है, शौचालय नहीं है, सब कुछ है, लेकिन आज जो स्कूल में शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं इसके ऊपर कितने सवाल उठाया गया है जनगणना के चक्कर में? बोलिए। ये सही पॉइंट है और ये जो काम है ना ये टीचर को नहीं देना चाहिए। हालांकि जब से जातीय जनगणना हो रहा है तब से ये काम टीचर ही कर रहे हैं, लेकिन जो लड़के बेरोजगार हैं आखिर आप तो टीचर को भी पैसा पेमेंट करवे करिएगा, 500 या 600 पर डे है अभी, वही पैसा जो बेरोजगार लोग हैं उसको आप काम में लगा दीजिए और इसको ट्रेनिंग करवाइए। दिक्कत इस बात से जैसे बोल रहे हैं कि उन शिक्षकों से काहे गिनवा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से लेकर के बहुत बार शिक्षक लोगों से शौचालय के लिए सुबह में जो शौचालय स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को जागरूक करने के काम दिया गया था उस समय ये सवाल काहे नहीं उठाया गया था? आज जातीय जनगणना अगर हो रहा है तो आपत्ति हो रहा है। हम कह रहे हैं सिंपल सा बात है, हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम जोड़ने के लिए शिक्षक लोग को उस समय दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। आज जातीय जनगणना गिनने जाएगा, दारू पीने वाला वहाँ शिक्षक जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। आज जातीय जनगणना में अगर शिक्षक जा रहा है तो आपको पेट में खलबली क्यों हो रहा है? आज सबसे बड़ा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं भाई, हमारे पास एक रोटी है ठीक, हमारे पास पता नहीं है कि कितने लोग खाने वाले हैं, तो हमको कैसे पता होगा कि कौन सा रोटी कितना आदमी कितना रोटी खाएगा, कैसे पता चलेगा? एक रोटी का सिंपल सा बात करें, एक रोटी है, ये भाई साहब आए दबंग है ज्यादा रोटी लेकर भाग गए, और हम आए हम 5 आदमी है और हमको एक टिकिया मिला रोटी का, तो कैसे होगा? तो जातीय जनगणना हो रहा है तो जो सबसे पहले शुरू से मलाई खा रहा है उसको पेट में दर्द हो रहा है कि अगर हो गया तो दिक्कत होगा। आप जो माइक पकड़े हुए हैं इस माइक पे कितना लोग का अधिकार है? लोग कहता है कि लोकतंत्र मीडिया जो है लोकतंत्र का स्तंभ है। कैसे स्तंभ है भाई? लोकतंत्र 100% की आबादी से बनता है और 100% लोग मीडिया में अगर काम करते हैं तब माना जाएगा, लेकिन 100% के जगह पर मात्र 10% लोग मीडिया में आज मतलब सीधा सीधी बात कहा जाए तो 10% लोग का वर्चस्व है कि नहीं? अब देख लीजिए कोई भी खबर। अच्छा एक सवाल अब हाँ वो तो ठीक है, एक सवाल आपसे एक बात बताइए कि जात पात है या नहीं? देखिए जात पात से तो हम है या नहीं है हाँ। जात पात तो से हम बचपन से लेकर बड़ा हो भी हो जाए हाँ। तो ये जाने वाला नहीं है हाँ। आपको भी नहीं, मैं बता रहा हूँ एक मिनट हाँ, मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। आप भी अगर स्कूल में अगर आप एडमिशन करवाते होंगे हाँ। तो आपके एक कॉलम आता होगा, हम इतना बोल रहे हैं एकदम कॉलम आता है कि हाँ कौन आप जाते कास्ट क्या, जनरल है एस टी है, जनरल में कौन सा है, राजपूत है कि क्या है, क्या है हाँ हो गया। जात पात है हाँ जी, ब्याह होना होता है उसमें भी जात पात है हाँ, हाँ, इन्होंने कहा ना जात पात है उसको हाँ, खत्म करने का सिंपल सा उपाय हाँ, आज से राठौर भाई है ना ये ठीक हाँ, है हम जाधव हैं हाँ, आप कुशवाहा हैं हाँ, आइए हम लोग अंतर जातीय विवाह स्टार्ट करते हैं हाँ, अंतर जातीय विवाह कीजिए और जात पात खत्म कीजिए हाँ, कोई जात कोई पात नहीं कोई धर्म नहीं हाँ, राजपूत डोम से ब्याह करना शुरू कर दे हाँ, यादव जो है वो चमार से ब्याह करना शुरू कर दे हाँ, जात पात खत्म हो जाएगा हाँ, तो फिर कहेंगे हम कुशवाहा भी डोम से शादी अंतर जातीय पासवान, सुनिए हम बताते हैं पासवान डोम से ब्याह नहीं करता है, पासवान भाई से पूछिए सामने गलत बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? देखिए बात तो सही है, सभी जाति खुद अपने ही जाति में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन है ना जी बिल्कुल है, काउंटिंग होना चाहिए कि नहीं? काउंटिंग होना चाहिए कि नहीं? काउंटी तो हम पहले ही बोले नहीं होना चाहिए, फिर आप जात पात ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब यही चीज गिना रहा है कि आप कितना है तो काहे नहीं गिनाना चाहिए? इसी मुद्दे के तो हम बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए हाँ। जात क्या दिक्कत है जब गिना ही जाएगा तब? गिना ही जाएगा तो वही तो हम चाहते हैं कि आंकड़ा मतलब पूरे बिहार में सार्वजनिक ना हो, कौन कितना वोट की जब जरूरत होता है तो यहाँ पर मीडिया में भी दिखाया जाता है कि पासवान जाति
फलना विधानसभा में इतना है, फलना जाति जाति का अपना अपना भगवान है। पूछिए बाबा चौड़माल को भगवान मानते हैं कि नहीं, पूछिए 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 जी। बिल्कुल सही बात है, मुकामा में है, मुकामा में है ते ही ना जाति है जी, अपना भगवान ने बना लिया। पूछिए श्री राम को भगवान कहेंगे, उसे पूछो कहेंगे कृष्ण भगवान हमारे भगवान है। पूछिए यादव के राजपूत के राम, पासवान के चौहरमल, लाला सबके चित्रगुप्त भगवान, सबके भगवानों अपना अपना जाति को हो गया। आ, फिर कहिए कि जाति ही नहीं। अच्छा आपका भगवान कौन है? आपका भगवान? मेरा तो सारा भगवान है, लेकिन हमारा जो खानदान है, हमारा जो कुल खानदान है, वो कहते हैं कि कृष्ण भगवान है। हालांकि इसकी कोई अगर वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं। हम ये कह रहे हैं ना कि लोग, आप कुशवाहा है तो आप कहिए राम जी के लोग कुछते हैं, हम लोग का जन्म हुआ। और तो भाई ये बात बताइए कि हमारा अभी मालूम नहीं है कि हमारे भगवान कौन है, बताइए ना। तो बोल तो रहे हैं लोग कुश, आप लोग तो कहे करते हैं कैसे भी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार हट रहा है, हम लोग लव कुश है, लव कुश है, लव कुश है, लव को अधिकार मिल रहा है यानी नहीं मिल रहा है, सब जगह है। एक मिनट, यानी कि हम लव कुश यानी कि राम के वंशज हम, हाँ तो हमको प्रणाम कीजिए। कहा है कौन कौन आपको करता है? कौन आपको ऐसी कर दिया? फिर भी हमको निचली जाति के पर भाई तो कहे हमको निचली जाति में दे दिया गया, ओबीसी में कहे दे दिया गया। तो हम पूछा ना राम भगवान निचली जाति, ओबीसी कोई जाति है ये नहीं है, ओबीसी जाति है हम राम के वंशज है भाई, राम के ओबीसी जाति नहीं है, ओबीसी कैटेगरी है। फिर यही दिक्कत है, कैटेगरी है नहीं, निचली कैटेगरी में आप मान रहे हैं, मान नहीं रहे, आपको मनवाया जा रहा है। काहे नहीं मनवाया जा रहा भाई, आप मानिएगा तो हमने राम हमने भगवान कितना हम मानते हैं, मैं इंसान फिर राम भगवान कितना सिंपल एक बात एक है? सिंपल बात एक इनसे पूछना चाहते हैं। हाँ उधर पूछ रहे हो, हम भगवान के वंशज हैं बताइए, उसके बावजूद भी हमको इस तरीके से हमको दर्जा दिया जा रहा है, कितना नाइंसाफी है भैया। वो पिछड़ी जाति में आप ले रहे हैं, नहीं दिया गया है, नहीं कौन दिया, अब हमको क्या दिया, कौन दिया, यही सवाल है हमको। मोहन भागवत ने क्या किया, कौन दिया तो हमको बताइए। मोहन भागवत ने क्या बोला, कौन दिया कि पंडितों ने बांटी, पंडितों ने बांटी, ट्विटर पे यही लड़ाई हो पर पे ट्विटर पे ये बात ट्रेंड किया, मोहन भागवत माफी मांगो 8 नंबर पे ट्रेंड किया कि ब्राह्मणों पंडितों ने तरीके से जात में बनाया कौन, जब हम जब बनाने में सुनिए बनाने में जब दिक्कत नहीं है तो गिनने में क्या दिक्कत। हमारे भगवान राम है, चलिए हम सब कुछ मानते हैं, पंडित बनाया हम बनाए आपस बनाए, क्या हम लोग अब यहाँ से भी संभल करके आगे की ओर से खत्म किया जाए। ब्याह कर लिए ठीक है, हम ना कि हमारे भाई बचल हो, कोई भाई बचल हो ओकरा डोम से ब्याह करवाना, कैसा कि जरूरी है कि डोम से कर यादव से फिर, अरे नहीं कहा यादव से भी करे, बैठ के बात नहीं यादव से भी करे, राजपूत से भी करे, मतलब अंतर जाती है। हाँ आई ना कि फिर पासवाने में करेंगे, आपका बात हम सराखों पे लेते हैं। अरे हाँ लीजिए सराखों पे, आपका बात हम सराखों पे लेते हैं और इसका हम तो मतलब ये करेंगे। हाँ आप बोलिए, इंटरव्यू से एक बदलाव हुआ, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, एकदम सबको समझना पड़ेगा, सब लोगों को समझना पड़ेगा। एक मिनट मेरा बोलने का था, बोल दीजिएगा, बोल इसके बाद ही बोल। अभी आप बोल रहे थे जातिगत गणना से फायदा क्या होगा, पासवान जी यादव जी हाथ मिलाने की शादी करेंगे, यही फायदा होगा गिनने के बाद, गिनने के पहले नहीं, गिनने के बाद। मैं यही बात बोल रहा हूँ, आज आज जो आज जो पत्रकार लोगों ने जो माइक उठाया है ना, लगभग ग्रेजुएट लोगों ने उठाया, मतलब शिक्षित लोगों ने उठाया, ये बात मैं मानता हूँ, जर्नलिज्म किए हुए हैं, शिक्षित लोग हैं, ये लोग ही समाज बदलेंगे। जैसे भाई ने बोला ना कि यादव हैं राजपूत से शादी करेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आने वाले 10 साल के अंदर 20 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा समाज में कि इंटरकास्ट आराम से शादी कर सकते हैं। मेरा अगर लड़का होगा, अगर कल के डेट में डोम के लड़की को भी लेकर आ जाएगा तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्यों आज आज के डेट में जो अपर लोग हैं वो लोग एक्सेप्ट किए हैं। आपको छोटा सा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा, आप कुणाल एसपी जी को जानते होंगे जो पटना हनुमान के हैं, उनके लड़का का शादी किनसे हुआ है आपको पता है? नाम को मालूम बताइए, अशोक चौधरी के बेटी चौधरी से हुई है। हाँ। तो ये वो देखिए यही दिक्कत है, उसका वो उसकी अलग एक जाति हो गई सर, मैं वही बात बता रहा हूँ सर, मैं वही बात बता रहा हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। कल एक लड़की है आरजेडी के बाहर, हाँ, सुनिए हाँ, कल की बात ना, कल हाँ, मैं उसका कवर किया हूँ, हाँ, लड़की लड़का से भूमिहार लड़का से प्यार करती थी, हाँ, ठीक है, हाँ, तो उसका पिताजी बोला हाँ, कि तुम जो है हाँ, धर्म बदल लो, हम तुमको अपना लेंगे, हाँ, ठीक, वो हाँ, लड़की धर्म बदली,
कोई अंजुम आर्य से सोनम चौधरी बन गई, आज लड़का मान रहा है, लेकिन उसका जो पिताजी है बनियापुर छपड़ा की घटना है, यहाँ पे कल वो मंत्री के पास भी आया लेटर, अभी मेरे पास है। पासवान में चिराग पासवान से कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई यादव शादी करने के लिए कर लेगा, लेकिन जो पुल के नीचे सो रहा है ना उससे कहिए कोनो राजपूत के बेटी को ब्याह करने का नहीं करेगा। ऑनर किलिंग हो जाता है, ऑनर किलिंग किसमें हो रहा है, आप आंकड़ा उठाइए, ऑनर किलिंग हो जाता है। बोले सर मैं वही बात कर रहा हूँ, ये समाज केवल चेंज कर सकता है ना तो एजुकेटेड लोग, तो सबसे पहले आप, इसीलिए मैं आपको बता पॉइंट पर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पॉइंट पर ला रहा हूँ कि आज जो एसपी लेवल पर लोग हैं, आईएएस लेवल पर लोग हैं और अच्छे लेवल पर लोग हैं, वो लोग इंटरकास्ट में जा रहे हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है। आज वो लोग इंटरकास्ट में नहीं जा रहे हैं जो अनएजुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड लोगों के पास अगर आप बोल दीजिए कि राजपूत हैं तो उनको लगता है कि यहाँ लिखवाएंगे कि हम राजपूत हैं। सच बात बता रहा हूँ, मैं बाईकास्ट में राजपूत हूँ फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कास्ट यहाँ उनके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं लिखा हुआ है। और आपको चित्रंजन भाई, ऑनर किलिंग क्यों होता है, ऑनर किलिंग का अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि कॉमन लड़का है, ठीक है, मान लीजिए कि कॉमन लड़का चमार निकला, ठीक, मान लीजिए कि लड़की राजपूत निकली, देखिए उसका समाज का लोग लड़का को मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा वो, यही ऑनर किलिंग है। मान लीजिए कोई यादव के बच्चे से कोई मुसहर का लड़का ब्याह कर लिया, देखिए यादव मारेगा कि नहीं मारेगा, यही ऑनर किलिंग है। और ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी और जो कुणाल है उनकी एक अलग जाति है जिसको कहा जाता है मंत्री और आईएएस, आईएएस अलग जाति हो गई, ठीक है, मंत्री अलग जाति हो जाता है, वहाँ जाति नहीं होता है। जब तक आप ग्राउंड पर, हम फिर इस बार को कह रहे हैं कि आप और हम आइए अंतर जातीय विवाह का शपथ लेते हैं, गांधी जी के सपना को पूरा करते हैं, अंतर जातीय विवाह करते हैं और अंबेडकर के राइट पर चलते हैं। और अंबेडकर ने कहा था कि इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई श्राप है तो जाति का श्राप है, इसको आइए तोड़िए, अंतर जातीय विवाह आज से शुरू करना चालू कर दीजिए, कुशवाहा कुर्मी से ब्याह करें, हालांकि करता है कुशवाहा जो है चमार से भी ब्याह का, चित्रंजन कुशवाहा का ब्याह अगर प्रेम होता, जबरदस्ती नहीं, हमारा करना ही है, अगर होता है तो मना नहीं करना है, ना नहीं हमारे बिरादर ने एकरा में नहीं करेंगे। राठौड़ भाई भूमियार में ब्याह करे, हालांकि करते हैं, लेकिन राठौड़ भाई आ जाए पासवानों में, ये हम लोग में भी ब्याह होना चाहिए, ठीक है, ना क्लास वाला नहीं, चिराग पासवान तो अलग जाती है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे शरीर का कहीं चीर फाड़ कर देखिए तो इसमें कहीं लिखा हुआ है कि हम कुशवाहा जात के हैं? नहीं भाई, ये टैग में ना लगवा दिया, मोहन भागवत बोले ना कि शोषण करने के लिए पंडितों ने बनाया जाति, हम थोड़ी बोल रहे हैं, मोहन भागवत बोला और ये सच है, चार वर्ण बनाया गया उसी के आधार पर, पहले काम था, काम से क्रिया हुआ, क्रिया से लोगों की जाति की मांग हुई, लेकिन अब क्या हुआ, जन्म के आधार पर बना दिया गया, ब्राह्मणों ने पंडितों ने जन्म के आधार पर बना दिया। पहले था कि मान लीजिए कि हम ग्वाला हैं तो हम अहिर हैं, ग्वाला हैं, गाय दूते हैं, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ग्वाला हुए जो जादव में पैदा हुए वो ग्वाला है। पंडित जी कौन होता था, जो पूजा कराता है, कोई जाति पाते नहीं, जो बनिया पूजा कराता है वो पंडित जी है, लेकिन फिर कहा नहीं, जन्म से ही हम पंडित हैं, भले हमको ज्ञान रहे चाहे नहीं रहे, हम जन्म से ही पंडित हैं। तो यहाँ दिक्कत ऐसा है, क्या गलत बात बोल रहे हैं? नहीं, वो बात सही बोल रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला कि एस क्लास वाला जो लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं कि वो अदर कास्ट कर रहे हैं, क्यों वो अदर कास्ट कर रहे हैं उसके बारे में भाई साहब ने नहीं बताया। मैं बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा और वो पॉइंट लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अदर कास्ट के पास एक चीज समझ में आ गया कि ये कास्ट नाम का कोई चीज नहीं है, जो अपर लोग, अपर जो लोग हैं उनको नहीं से, करनी से ना सर, है बना? सर मैं ना है बना? छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि उनको ये समझ में आ गया, जैसे छोटा सा एग्जांपल, हम तो कह रहे हैं जातिवादी आदमी है सब, कुशवाहा सेना भी बनाए हुए, कोई होगा बनाए। एक बार सुनिए, ये बोल रहे हैं भैया कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, देखिए इधर मुस्लिम भी है, आपका भी धर्म बात और का बात हो रहा है, काम को रिजर्वेशन देके बिठा रहे हैं वीडियो। सबसे सुनिए, जब सवाल हो रहा तो सबका होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि जो भी एजुकेटेड लोग हैं आपस में शादी कर रहे हैं तो किसने रोका कि इस जाति के लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा? कौन लोग रोका था बाबा साहब को विद्यालय में बैठने से? या फिर जब जगदेव प्रसाद बन रहे थे, अधिकारी बन रहे थे, इंटरव्यू में किसने उनको इस तरह से बोला कि उनको छोड़ना पड़ा?
कई जगहों पे रोका गया, बोला कि आप सुनिएगा वो जो पढ़ा जाता है पाठ कान में शीशा गला के डाल दिया जाए। कौन बोला, कौन बोला? तो आप मोहन भागवत में पंडित जी एजुकेशन, आप एजुकेशन लेने नहीं दे रहे हैं, बोले कि एजुकेशन लेके खत्म हो जाएगा। एजुकेशन तो पहले लेने दीजिए, बराबर तो आने दीजिए। जाती जनगणना हो रहा है एजुकेशन के लिए। बात ये है कि मेरे दादा का पहले हाथी हुआ करता था, आज अगर आज भी मैं अगर सिक्कर घुमाऊं तो लोग मुझे पागल कहेंगे। बात समझ में आया? तो जो जात बाई जात बताया जा रहा है, आज राजपूतों में बहुत सारे लोगों के पास कुछ है नहीं, केवल एक अहम है कि हम राजपूत हैं। सेम अपर कास्ट का भी मैं यही बात तो हो रहा है कि अहर यादव अपने आप के लालू यादव पूछता है। बैठा ना, हो गया 22 मिनट, हो गया भाई। तो 22 मिनट अहर यादव अपने आप के सोचेगा मुलायम सिंह है हम, हर जगह हर पसवान सोचेगा चिराग भैया, चिराग हमारे भैया है, आ चिराग घरों पर नहीं पुलाएगा, आ पूछबो नहीं करेगा। ये बड़ा छोड़ दीजिए, दूसरा चीज उन्होंने कहा जातीय जनगणना ऐला हो रहा है कि कौन कहाँ पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल के, सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कौन विभाग के हैं, कौन जाति के लोग हैं, आंकड़ा निकाल लीजिए सर। जो गरीब हो ही बिल्कुल बिल्कुल कमजोर है, प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ रहा है, संत माइकल में कौन पढ़ रहा है, हाँ सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहा है, आंकड़ा निकाल लीजिए पता चल जाएगा। और उस सरकारी आंकड़े वाले को संत माइकल में पहुंचाना है, यही जातीय जनगणना है सब। ये मैं अगला बार भी मौका दीजिए पूछने का, 25 मिनट हो गया, कितना बोले? उम्मीद है पैसा लाइए, रुकिए, उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये जातीय जनगणना बिहार में हो रही है तभी मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अब होना भी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ और ये सनी जी के साथ, ये सब पत्रकार लोग के साथ, पत्रकार लोग से ही सवाल किए हैं क्योंकि ये पत्रकार लोग ही जनता लोग से सवाल करते हैं, तो इन लोग से भी सवाल होना चाहिए था। जय हिंद।